पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कर ली है। इसी के साथ वो अपनी सीएम पद की कुर्सी बचाने में भी सफल हो गई हैं। ममता बनर्जी को यहां एक तरफा जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। और इस उपचुनाव के नतीजे आते ही टीएमसी का जोश आसमान छूने लगा। ममता बनर्जी की जीत का जश्न मनाने के लिए कोलकाता की सड़कों पर पार्टी के सैकड़ों समर्थक उतर आए। हाथों में पार्टी का झंडा और ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ हरे रंग की गुलाल उड़ाकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। हालांकि चुनाव आयोग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए जीत के बाद जश्न न मनाने का निर्देश दिया था, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक जश्न में ऐसा डूबे कि इस निर्देश को ही भूल गए। चुनाव आयोग के जीत के बाद जश्न न मनाने के निर्देश के बावजूद ममता बनर्जी के घर के बाहर ठीक कालीघाट की सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य के कई दूसरे शहरों में भी टीएमसी समर्थक ममता की जीत के बाद अपने घरों से बाहर निकले और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। वहीं ममता बनर्जी ने उपचुनाव का नतीजा सामने आने के बाद उन्होंने इसे बंगाल के लोगों की जीत करार दिया। इसके साथ ही वो केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसी और केंद्र पर टीएमसी को सत्ता से दूर रखने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक को ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। वहीं भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को चुनौती देने वाली बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल ने अपने प्रदर्शन पर संतोष जाहिर किया। अगर लड़ाई की बात करें और हौसले की बात करें तो कल तक जिस बच्ची को ये पहचानते नहीं थे वो बच्ची 25,000 से ज्यादा वोट उस जगह पर ले आके आई है जिसका गढ़ ममता बनर्जी को कहा जाता था कि वो जगह उनका गढ़ है। प्रियंका टिब्रेवाल ने भवानीपुर में संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। हालांकि इस उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी को बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जहां बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें नंदीग्राम सीट से 1900 से ज्यादा वोटों से सीधे तौर पर हरा दिया था। लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और कोलकाता हाईकोर्ट में नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी। हालांकि इसके बाद ममता बनर्जी को सीएम पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर किसी सीट से विधायक का चुनाव जीतना जरूरी था, जिसके बाद भवानीपुर से टीएमसी विधायक शोभन देव चैटर्जी ने अपनी सीट खाली करते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया ताकि ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ सके। अब भवानीपुर के अलावा बंगाल की 2 और विधानसभा सीट यानी कि शमशेरगंज और जांगीपुर में भी उपचुनाव हुए और ये दोनों ही सीटें टीएमसी के नाम रही, जहां शमशेरगंज और जांगीपुर में टीएमसी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 100 बात की एक बात ये कि ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट पर जीत हासिल करना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती थी, क्योंकि वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी और उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचना था।